जब ईश्वर की तलाश में निकल गए ना, बहुत ढूंढने कुछ ना मिलल। उनका कई ऐसा तस्वीर है जब ना बहुत कम जगह चाइना में या म्यांमार जैसे राज्यों में होगी जहाँ बौद्धिस्ट है ढांचा वाली। इतना उपवास कहने, इतना साधु संत के पास गई है मगर ईश्वर ना मिलल है। आखिरी टाइम में 5-7 चेला बचने उनका, जिनमें आनंद एक महत्वपूर्ण चेला रहा जो शुरू से आखिरी तक रहा, आनंद नाम का एक चेला उनका। आखिरी में वो छोड़ के भाग गए, कहे थे एकदम बुद्ध एकदम लाचार हो गए ना अपने शरीर से। जब देखने गौर से पूरा ढांचा रहा शरीर का उनका, तब वो कहना है मन में विचार आयल कि ईश्वर है ना हो, फट एकदम सब बेकार। अगर ये शरीर हमारा मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी इस शरीर की, तो किस ईश्वर की तलाश करूंगा मैं। तो उस सब को त्याग के बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए हैं। तो वहाँ गांव में प्रथा रहा है, व्रत रानी महिलाएं औरत लोग व्रत रानी है, तो प्रथा रहा है कि उनने बरगद के पेड़ पे खीर चढ़ा मैं। तो कौनो मेहरारू आई वहां से लेके खीर, काला ला बरगद महाराज क्योंकि खीर चढ़ा मतलब बुद्ध हुआ टाइम व्रत व्रत सब कुछ त्याग दे लेना है, ईश्वर के ढूंढ त्याग दे लेना है। वो कहना ईश्वर है ना हो, इनकार कर देना एकदम दिल के आत्मा से इनकार करना। बरगद के नीचे जब बैठना महरू आ रहा है, ला बरगद महाराज खीर तो चढ़ावा सब दे लेना, ला पीपल महाराज ला नीम के सबके जैसे चढ़ा वाला जब चढ़ाना है तो वो हथवा लेके ऐसे ले लेना वो खीरिया तड़पत रहा भूख से लेके वो पी गई है। तब बुद्ध की वो महाशक्ति जवन भी हो उनके अंदर प्रवेश कर दी। तो बुद्ध जब भी कोनो गांव में प्रवचन देवे जाए ओकरे बाद तो डम 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 डमरिया बजावा। सबसे पहला प्रश्न उनका यह रहा कि क्यों ईश्वर के बारे में ना पूछी, ना तो हम ना में जवाब दे ना तो ना में ईश्वर के एकदम इनकार का दिलाना है। ऐसा 11 प्रश्न है गूगल पे विकिपीडिया बजाय के पढ़ सके ना, ठीक ओपे के 11 कौन प्रश्न आना है बुद्ध जब प्रवचन देवे जाए। वहां पहले उनका चेला कह दे कि अगर सवाल पूछला बुद्ध से ही 11 तो यहाँ लेक्चर ना दिए प्रवचन ना दिए बुद्ध निकल जाएंगे गांव से कुछ, ठीक तो 11 प्रश्न ना पूछा और जो गांव में पूछे वहां बुद्ध प्रवचन ना दे तो बुद्ध से पाखंडी जाने का कहा लगना सब भाई बुद्ध पाखंडी हुए बुद्ध पाखंड कहले हुए ये ऐसा बहुत सारी बात कह रहे हैं। वो उनका रिसर्च रहा, अगर कोई चीज को ढूंढ रहे हो अगर मान रहे हो तो चूतिया हो, मानना चूतियापा है, जानकर मानो तो समझदारी है। अगर तुम कह दो पीछे ये है तुमने यही मान लिया, जब तुम जाओगे पीछे देखने उस चीज को तभी तो अनुभव होगा उसका, हाँ पीछे ये थी अब मैं मानूं। जब जानोगे किसी चीज को तभी मानो। तो बौद्ध धर्म सारा रिसर्च पे टिका हुआ है, बौद्ध धर्म में अगरबत्ती धूपबत्ती ये सब देखते हो ये सब भिकोतलेबाजी, ये तस्वीरें पूजा पाठ ये मूर्तियां नहीं है। मैं बौद्ध धर्म में सबसे पहले क्या है आस्था का सम्मान करो, सबकी आस्था का, चाहे कोई कुछ भी मानता हो उसकी आस्था को मत तोड़ो। तुम जो मानते हो जो जानते हो उसे मानो उसे जानो, जब किसी चीज को जानो तभी उसको मानो तब वो तो सफल हो। बिना जल्ले मान ले बेवकूफी हो, कहां से जलना ना वो तो क्यों जल ले हो। अगर तुम बुद्ध जन्ने भगवान होंगे तो बुद्ध जन्ने ना हमने तना कर ली, हमने सिर्फ मान ले ली, मानना चूतियापा हो, जानना समझदारी जानकर मानना तो पता उपे खोज कैला मेहनत कैला तब वो तहार हो गई कि तुमने कौन चीज के तुम जानला तब मानला। ये मनना तो ऐसा नहीं कि परंपरा हो गई, हम अपने बेटवा को दे दिली, हमारे बेटवा आयल वो पूजा पाठ करे लगल या केहू ईश्वर के माने लगल, अगर वो ढूंढी जानी जब देखी कुछ हाओ तब ओकरे वह बात पे जाई कि हाँ भाई ये चीज हम जन ली है मेहनत कर ली है हाओ, ठीक। अब केहू सब मूर्ति पूजा कहूंगे हमारे ये भी पूजा करता हमारे घर परिवार में सब में सब जहां ये मानता भाई तुम्हारी आस्था का सम्मान है, ठीक है तुम झुक रहे हो हमने भी ऐसे झुका दिया अपना थे, मतलब उसकी आस्था का सम्मान, किसी की आस्था का सम्मान करना किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाना ही ईश्वर की पूजा है, जो सही पूजा है। किसी कोई ईश्वर है कोई भगवान है, देखो तरह तरह के नाम है, कोई ईश्वर कहता है कोई गॉड कहता है कोई अल्लाह कहता है, ऐसे दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हीं का धर्म ही सच्चा है, सभी धर्म सच्चे हैं, सभी एक ही बात को इशारा करते हैं। इसलिए तुलसीदास ने कहा घाट बहुतेरे हैं, बहुत घाट हैं, जिस भी घाट पे जैसे भी तुम नौका सवार करके जाना चाहो पहुंचोगे वहीं। तो और कबीरदास एक बात कह रहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाए। अर्थात कि जब उसको ढूंढने चलोगे इस महाशक्ति को तो एक बूंद के समान हो, एक महासमुद्र में
खो भी सकते हो, कैसे हिरोगे, मगर बूंद जब समुंदर में गिर जाएगी, हो ना आज ना कल, कल ना परसों, उसे ढूंढी लोगे उस बूंद को, समुंदर में गिरी है। तो कबीर दास ने दूसरा दोहा पलट के कर कहा उसको, और कि और टफ है ये, और गहराई में जाओ। तब उनने कहा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीरा हेराए, समुंदर समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। मतलब बुद्धि के पार वाली बात कर दी उन्होंने। जो तुलसीदास थे और कबीर दास थे, ये सब रिसर्च करने वाले लोग थे, इन्होंने रिसर्च करी है, इन्होंने योगा करा है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, तब उस महाशक्ति के बारे में कुछ जाना है तो उन्होंने माना है। किसी के जानने से उन्होंने मान नहीं लिया, खुद वो खुद जाने और खुद माने तब। तो जब भी किसी चीज को मानना है तो पहले उसे जानो, उसे समझो, उसे बुझो, तब देखो कि वो तुम्हारी अनुभूति है, तो उसे मानो, तो वो तुम्हारी मेहनत हो गई, वो किसी और की नहीं, वो तुम्हारा जानना हो गया, तुम्हारा मानना हो गया, वो किसी और का नहीं, किसी और के जाने पर मान लेना बेवकूफी है।